बिग बॉस 12 हार के बाद श्री संत ने निकाला गुस्सा, बोले दीपिका चैनल का चेहरा है। बिग बॉस 12 का फिनाले रविवार रात प्रसारित हुआ। एक रेस दीपिका कक्कड़ ने सभी को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। बिग बॉस के घर में अभी तक श्री संत और दीपिका ने भाई बहन का रिश्ता निभाया। फिनाले में आकर दीपिका श्री संत पर भारी पड़ी और दर्शकों ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट दिए। बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद सभी कंटेस्टेंट के बयान आने लगे हैं। ऐसे में श्री संत ने दीपिका के बारे में जो कुछ कहा है वो काफी हैरान करने वाला है। 15 हफ्ते के दौरान ऐसे कई मौके आए जब श्री संत गुस्से में आकर क्विट करने की बात कहते थे। यही नहीं, घर के सदस्यों के साथ भी उनकी किसी न किसी बात को लेकर बहस होती थी। ऐसे में दीपिका ही थी जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही और समझाती रहती थी। श्री संत की दवाई से लेकर उनके खाने तक दीपिका अभी तक श्री संत के लिए सब कुछ करती आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है दोनों के बीच ये भाई बहन का रिश्ता केवल कैमरे के लिए था। दरअसल शो खत्म होने के बाद श्री संत ने मीडिया से बात की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि घर में रहते हुए आपने कहा था कि दीपिका कलर्स टीवी का चेहरा है, इस वजह से उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि टैलेंट यहाँ मायने नहीं रखता और कोई शो जीतने के योग्य नहीं है? इस पर श्री संत ने कहा कि यही सच्चाई है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बिग बॉस के घर में जो भी 20 कंटेस्टेंट आए सभी योग्य थे, चाहे वो अनूप जलोटा हो या निर्मल, यहाँ तक कि मैं भी शो जीतने के योग्य था। इन सब के बावजूद दीपिका ने अच्छा गेम खेला। श्री संत ने आगे कहा कि मेरे सभी फैंस का शुक्रिया, अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो दुनिया को मेरे बारे में नहीं पता चलता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं ही असली विनर हूँ, फैंस और पत्नी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बता दें कि दीपिका कलर्स पर आने वाले शो ससुराल सिमर का में मुख्य किरदार निभाया था, इससे उन्हें काफी पॉपुलरिटी मिली। टॉप 5 फाइनलिस्ट में श्री संत और दीपिका शुरुआत से सबसे आगे चल रहे थे। ऐसे में जब करणवीर और रोमिल एलिमिनेट हो गए तो माना जाने लगा कि दीपिका और श्री संत में से ही कोई विनर बनेगा।